हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ग्लैमरस पार्टी मेकअप कैसे कर सकते हैं। ये मेकअप करके आप पार्टी वगैरह, पब पार्टी, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे मैंने ब्लू स्मोकी आइस किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने न्यूट्री ग्लो का टोनर लिया है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, टोनर काफ़ी अच्छा है। और फिर इसके बाद हम एलोवेरा जेल यूज़ करें। एलोवेरा यूज़ करने से हमें पसीने नहीं आते हैं, तो हमारा मेकअप लंबे समय तक चलता है। यहाँ पे मैं NYB का ब्लरिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो ये प्राइमर हमारे जो ओपन पोर्स होता है उसे ब्लर कर देता है, और हमारे जो मेकअप बेस होता है उसे अच्छे से सेट कर देता है। तो मुझे अच्छा लगता है ये प्राइमर। यहाँ पे मैंने ग्रीन कंसीलर लिया है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स है या फिर रेडनेस है, वहाँ पे आप इसको लगा के अच्छे से फिंगर की हेल्प से सेट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं ऑरेंज कंसीलर ली हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या फिर आपके जो लिप्स के पास के जो एरिया हैं वहाँ पर इसके पैचेस हैं। अब मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारे फेस पे जो डार्क सर्कल है और जो डार्क एरिया होता है, इससे हमारे डार्क सर्कल और जो हमारे स्किन में पैचेस होते हैं, रेडनेस होती है, वो छिप जाती हैं। यहाँ मैं मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो फाउंडेशन को मैं डैब डैब करके एक एरिया में लगा रही हूँ, फिर उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं एक साथ पूरे फेस पे नहीं लगा रही थी, क्योंकि मुझे सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है करके, तो इसलिए मैं एक एक करके पूरे मतलब फेस पे अप्लाई करके उसे ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम नेक के पास की जो एरिया है उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे फाउंडेशन से, और साथ ही साथ अपने ईयर्स पे भी फाउंडेशन लगा लेंगे। बस डार्क कंसीलर नहीं था, तो यहाँ पे मैं अपने फेस को कंटूर करने के लिए लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप कोई सी भी डार्क कलर की लिपस्टिक ले सकते हैं, और उसे अपने जो कंटूर एरिया होते हैं फेस पे जितने भी, तो आप वहाँ पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ब्लेंड किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा था। अगर आपके पास कंटूर नहीं है तो आप अपने लिपस्टिक के हेल्प से ये कर सकते हो। तो इसे अच्छे से ब्लेंडर से अच्छे से है हम ब्लेंड कर लेंगे, और अपने नोज एरिया को भी अच्छे से कंटूर कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं जो लाइट कंसीलर है उससे अपने फेस को कंसीलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने आई के नीचे और फोरहेड पे और जो हमारे लिप्स की एरिया जो होती है वहाँ पे अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इससे जो हमारे फेस के जो हाईलाइट एरिया होते हैं उसे उस पर कंसीलिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इस पाउडर की भी कवरेज काफ़ी अच्छी है और अच्छे से सेट हो जाता है स्किन में। जो हमारे फाउंडेशन होती है उसे अच्छे से सेट कर देता है, अच्छा एक बेस बना देता है, हमारे फेस पे सेट कर देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ये पाउडर को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आई मेकअप करूँगी। तो यहाँ पर मैं ब्लू स्मोकी आई से क्रिएट करूँगी। यहाँ पे हम ब्लैक कलर लेके सबसे पहले अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब तक एक अच्छा कलर, ब्लैक कलर हमारे आई पे नहीं आ जाता, तब तक हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे ब्लू कलर लेके अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे ब्लैक कलर के ऊपर, जो एक स्मोकी लुक देगा, जिससे हमारा स्मोकी आई मेकअप कम्प्लीट होता है। तो हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब मैंने आई मेकअप की शॉर्ट वीडियो पहले भी डाले हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है, तो आप आईलाइनर को अच्छे से यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं मैट लुक का जो मस्करा होती है, मस्करा यूज़ करूँगी, जिससे हमारे आई लेसेस थोड़ी थिक हो जाएंगी। तो इससे हमें अलग से आई लेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने मस्करा यूज़ कर लिया है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आईब्रो डिफ़ाइन करने की, क्योंकि मेरे आईब्रो ऑलरेडी डार्क हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं लैक्मे का ब्लैक काजल यूज़ करूँगी अपनी वाटर लाइन पे। तो अब हमने अपने आई को
स्मोकी आई मतलब क्रिएट करने के लिए हम अपने वाटर लाइन पर ब्लैक कलर लगाएंगे, तो उसके बाद ब्लू कलर लेके अपनी जो हमारे ब्लैक कलर से अच्छे से स्मच करेंगे, जिससे एक स्मोकी लुक दे जो हमारे आई मेकअप को कंप्लीट करता है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर लिया है, यह ब्लशर काफ़ी अच्छा है, इसमें ब्लशर और हाइलाइटर दोनों मिल जाते हैं और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ब्लशर काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगी तो अपने नोज़ के पास के एरिया को हाईलाइट करूँगी, और जहाँ पे हमने जो भी हमारा हाईलाइट एरिया होता है फेस पे उसे हाईलाइट करेंगे, तो हम यहाँ पे अपने फेस को अपने नोज़ के पास, चीक बोन एरिया पे, लिप्स के पास अच्छे से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि एक ग्लैमर लुक के लिए हमारे फेस को शाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया जो हमारे मेकअप को सेट कर देता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि पार्टी वगैरह में हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं तो हमें जो स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होता है, अगर होता भी है तो हमारे मेकअप को ख़राब नहीं करता है। तो यहाँ मैं पर्पल कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये लिक्विड लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करने से पहले आप अपने फेस अपने लिप पे अच्छे से लिप बाम को अप्लाई कर लें, जिससे जो लिक्विड लिपस्टिक होती है थोड़ी ड्राई होती है तो वो लिपस्टिक अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने हल्का सा हाइलाइटर अपने लिप पे लगाया ताकि थोड़ी शाइनिंग लुक दे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड। ओके बाय, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।